कानपुर थाना नवस्था पुलिस को मिली सफलता, शातिर चोरों को दबोचा। सीएमओ के घर पर 2022 में की थी 15 लाख की चोरी, दूसरे के घर चोरी करके बनवाया अपना आलीशान मकान, पुलिस ने दबोचा। चोरी के आभूषण व जेवरात खरीदने वाला ज्वेलर भी पकड़ा गया। चोरी किए हुए लगभग 4 लाख रुपए व चोरी किए हुए आभूषण पुलिस ने किए बरामद। चोरी का पैसा जमीन और मकान बनाने में लगा रहा था शातिर अभ्यस्त चोर। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। दिसंबर 2023 को थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक नकबजनी की घटना हुई थी, जिसके अनावरण हेतु एसीपी नौबस्ता के निर्देशन में कई टीमें काम कर रही थी। इसमें से थाना नौबस्ता की टीम को सफलता मिल गई है। इन्होंने एक विक्रम नाम के चोर को पकड़ा है, जो कि एक अभ्यस्त अपराधी है और इससे पहले भी कई नकबजनी की घटना वो इस क्षेत्र में कर चुका है। नवंबर 2022 में एक बहुत बड़ी नकबजनी की घटना हुई थी, जिसका भी अनावरण शेष था। वो भी चोरी इसी चोर ने की थी। ये 3 लोगों का गैंग है, विक्रम, आशीष सोनकर और सांकी। इसमें आशीष सोनकर और सांकी अभी वांछित हैं, वो लोग फरार हैं। इसमें जिस ज्वेलर को विक्रम ज्वेलरी बेचता था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम सुरेश है, वो कानपुर देहात का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4,34,000 कैश मिला है और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। जी, इनके 2 साथी फरार हैं। इसमें जो विक्रम नाम का मुख्य अभियुक्त है, इस पर करीब आधा दर्जन मुकदमे पहले से हैं। इसका सबसे पुराना मुकदमा 2011 का है। ये कई सालों से चोरी कर रहा है और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन से पता चला है वो ये है कि ये चोरी का माल बेचकर कैश लेकर अपना घर में लगा देता था। इसका एक काफी बड़ा घर जनपद औरैया में है, उस पे भी आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। जी, पुलिस ने काफी इसमें मेहनत की है। कई सीसीटीवी कैमरे लगभग 1 महीने में पुलिस ने खंगाले हैं और भी टेक्निकल सर्विलांस के माध्यमों से इसे ट्रेस किया गया है। कई दिनों इसकी पहचान काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन इसको पकड़ने में इस टीम को बहुत मेहनत लगी और बहुत अच्छा कार्य किया। जी, इस मामले में डीसीपी सर की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम इस टीम को दिया जा रहा है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।